هذول عمال البلدية يسرقون الحديد. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये वीडियो सऊदी अरब से ली गई है। ये एक बल्दिया की गाड़ी है जिसमें आगे एक ड्राइवर बैठता है और पीछे दो आदमी, एक दाएं और एक बाएं, खड़े हो जाते हैं ताकि कहीं से इन लोगों ने कचरा वगैरह उठाना हो। ये दोनों आदमी, क्योंकि ये गाड़ी हाइड्रोलिक सिस्टम होती है, लेकिन ये दोनों आदमी उस कचरे वाले डब्बे को कुंडे डालते हैं और खुद ब खुद गाड़ी उस कचरे को अपने अंदर संभाल लेती है। लेकिन ये दोनों आदमियों का काम ये होता है कि उस कचरे में से जो भी इनको काम की चीज़ मिले, लोहे की, सिल्वर की, पीतल की, या इनके जो भी काम की चीज़ हो, वो ये उसे अलग करते जाते हैं। क्योंकि इन हजरात की सैलरीज बहुत कम होती हैं, इसलिए ये महीने के आखिर में ये सेल करते हैं। इनको 2-4-500 रियाल जितना भी हर माह बचता है ये बचाते हैं। और बल्दिया के बड़े फोरमैन होते हैं, उनको भी इस चीज़ का इलम होता है और ये एक जायज़ तरीका है, वो इस चीज़ से इनको मना नहीं करते। हाँ, अलबत्ता किसी किस्म की कोई गैर ज़रूरी चीज़ ना उठाएं ये। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रात के टाइम ये बल्दिया की गाड़ी एक जो बिल्डिंग अभी बन रही है उसके बाहर खड़ी होती है और दोनों हजरात कुछ चीज़ें, यानी या सिल्वर की या लोहे की चीज़ें उठाकर गाड़ी में फेंक रहे हैं। तो एक सऊदी ने इनकी ये वीडियो बनाई है और सोशल मीडिया पर शेयर की है। हमें यकीन है कि ये वीडियो अभी तक इनके बड़े फोरमैन जो हैं उन तक पहुंच चुकी होगी और वो इस पर कार्रवाई भी ज़रूर कर रहे होंगे। अभी सऊदी अरब में चोरी करने की सज़ा हाथ काटना है, लेकिन अगर सुलह रहमी से काम लिया जाए और जिसकी चोरी हुई है वो अगर मुआफ़ कर दे तो वो उसको मुआफ़ कर देते हैं। अभी देखना ये है कि क्या इनको इनकी पकड़ के बाद इनको भी सज़ा दी जाती है या इनको खरूज लगाकर अपने मुल्क भेज दिया जाता है। क्योंकि अगर ये लोग चोरी करते हुए पकड़ लें किसी खारजी हजरात को, तो ये ज़्यादातर यही काम करते हैं कि उसका खरूज लगाकर उसको उसके मुल्क भेज देते हैं और उस पर 5 साल या 10 साल के लिए पाबंदी लगा देते हैं।